मैं रचना सिंह। राजस्थान मिशन 2030 को ध्यान में रखते हुए मैं अपने कुछ विचार सुझावों के रूप में आप सभी के समक्ष रख रही हूँ। तो जैसे कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही अच्छी अच्छी योजनाएं चला रखी हैं जो हम जन सामान्य के लिए बेहद लाभकारी हैं, फिर भी मेरी दृष्टि में कुछ कमियां रह जाती हैं जिन्हें मैं अपने सुझावों के रूप में मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखना चाहती हूँ। तो मेरा पहला सुझाव है शिक्षा से संबंधित। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि भीमराव अंबेडकर जी ने कहा है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना ज्यादा पिएगा वो उतना ही ज्यादा दहाड़ेगा। तो हमारी सरकार को चाहिए कि वो शिक्षा में जो भी उसने योजनाएं चला रखी है उन्हें लागू करे और दूरस्थ गांव में और जो भी छोटे छोटे अन्य कस्बे हैं उनमें छोटे छोटे गांव में विद्यालय खुले हैं लेकिन वहां अध्यापक नहीं है। तो कर्मचारियों की व्यवस्था अच्छे से होनी चाहिए, अध्यापकों की व्यवस्था होनी चाहिए और पढ़ाई का हुआ ना माहौल होना चाहिए जो पहले था। अब नई नीति आई है मगर वो माहौल नहीं है, तो वो सब होना चाहिए तभी हम शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ पाएंगे। और मेरा दूसरा सुझाव है महिला सुरक्षा। जैसा कि देखा जाता है कि आजकल बहुत अपराध हो रहे हैं और महिलाओं में छेड़छाड़ ये सारे आपराधिक गतिविधियां बहुत ही ज्यादा हो रही है, तो मैं सरकार से अपील करती हूँ कि वो कड़े से कड़े कानून जो महिलाओं के लिए बनाए गए हैं उन्हें लागू करें, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति में कहा गया है यत्र नार्यस्य पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो जहाँ नारी का सम्मान होगा वहां देवताओं का निवास होगा, जहां नारियों की पूजा नहीं होगी नारियों का सम्मान नहीं होगा वहां देवता भी निवास नहीं करते। तो हमें नारी सुरक्षा के प्रति चाहिए सरकार को कि वो हर एक गांव में नारी सुरक्षा शिक्षण प्रशिक्षण केंद्र खोले ताकि नारी अपनी सुरक्षा खुद कर सके। और मेरा तीसरा सुझाव है पुलिस व्यवस्था के संबंध में। जैसा कि पुलिस का ध्येय वाक्य है कि आम जनता में विश्वास और अपराधियों में भय, तो इसका तो उल्टा ही हो रहा है कि अपराधियों में विश्वास और आम जनता में भय। तो पुलिस को ये ना रखकर अपने इस वाक्य को सिद्ध करना चाहिए और सबकी सुननी चाहिए, कड़े से कड़े कानून अपराधियों के लिए लागू करने चाहिए और रिश्वत के तौर पर किसी से भी रिश्वत वसूल करके उसके अपराध को कभी भी क्षमा नहीं करना चाहिए। जैसे कि अपन अन्य पुलिस से शिक्षा दे सकते हैं, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने कड़े से कड़े कानून बनाकर सबकी नाक में दम कर रखा है, तो हमारी राजस्थान सरकार को भी पुलिस व्यवस्था सुरक्षा तंत्र में ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि कोई भी अपराधी मुंह उठाकर सर उठाकर चल ना सके। जिसने अपराध किया है उसको माफी तो कभी भी नहीं मिलनी चाहिए ताकि वो आगे अपराध कोई भी ना कर सके चाहे जितने भी पैसे हो, लेकिन रिश्वत के बजाय अपराधी को माफी नहीं मिलनी चाहिए रिश्वत लेकर। और मेरा चौथा सुझाव है पर्यावरण के संबंध में। आजकल हम देख रहे हैं कि प्रदूषण बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और हमारे गांव में हरियाली खत्म होती जा रही है, तो हमें वृक्ष लगाने चाहिए क्योंकि वृक्ष बहुत ही ज्यादा काटे जा रहे हैं। अगर गांव का विकास हो रहा है तो वृक्ष बहुत ही ज्यादा विलुप्त होते जा रहे हैं, क्योंकि कहा गया है कि सिर्फ 60 रूख रहे तो भी सस्ता जाड़। तो सिर के बदले एक
वृक्ष भी रहता है तो भी सही है। तो हमें प्रदूषण को रोकना चाहिए। जहां भी हम रहते हैं अपने आसपास हर रोज एक वृक्ष लगाना चाहिए और प्रदूषण का बहुत ही ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि गांव में जो भी फैक्ट्रियां है बिना लाइसेंस वाली, उसे सरकार को बंद कर देना चाहिए, जिससे हमारा प्रदूषण, जिससे हमारे गांव और हमारा राज्य आगे आ सके। और हम देखा जा रहा है, हम देख रहे हैं कि गांव में प्रदूषण हो रहा है। तो एक कारण इसका ये भी है कि जो वक्त था पहले वो मंजर ही रह गया, जो वक्त था पहले वो मंजर ही रह गया। गांव का विकास क्या हुआ, अब वो हरियाली वाला गांव बंजर ही रह गया। और मेरा अगला सुझाव है आयुर्वेद चिकित्सक के संबंध में। जैसा कि हमारी भारतीय संस्कृति में कहा गया है कि चार वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, मगर एक पांचवा वेद आयुर्वेद भी होता है। तो हमारे सरकार को चाहिए कि वो हर एक दूरस्थ गांव में, छोटे छोटे गांव में अस्पताल खोले और उन हर एक अस्पताल में हर एक आयुर्वेद का चिकित्सा जरूर होना चाहिए, क्योंकि पहला सुख निरोगी काया। तो ये जो सुझाव है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो समृद्ध बनेंगे। हमें जिस भी क्षेत्र में जाना है तो सबसे पहले तो हमारा स्वास्थ्य ठीक होना जरूरी है। तो अगर हम स्वस्थ होंगे तो समृद्ध होंगे। इसीलिए सबसे पहले आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति का सुचारू रूप से प्रसार